समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ में अपनी समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश ने रेड को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, कहा जो पैसा निकला वो बीजेपी का है, पहले गलती से पीजेएन पर छापा मारा गया। क्या हमारे गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब सब कुछ बंद था महामारी में, कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, हर चीज में ताले लग गए थे, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को बचा रहा था तो वो हमारा किसान था। उस बीमारी के समय भी खेत में काम कर करके उसने हमारे अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं, पहले गलत जैन के यहाँ चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है, क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवारों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।